بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين آمنت بالله وصدق الله العظيم رمضان رمضان كرم ہے رمضان ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ ब्रिज पावर बैटरीज क्वालिटी फॉरएवर آغاز ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر السلام علیکم ناظرین میں ہوں انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین صاحب دادا حافظ محمد نقشبندی آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی ناظرین آج ایک بہت ہی خوبصورت سے مہمان موجود ہے جی جناب
जी बिल्कुल, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान हैं, और नाज़रीन हैदराबाद में इनकी सहाफ़ती खदमात की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। बहुत कम उम्र से सहाफ़त के शोबे में काम कर रहे हैं और बहुत कम अरसे में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेट चुके हैं। आज के हमारे मेहमान किसी तारीफ़ व तारुफ़ के मोहताज नहीं, हैदराबाद न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर जनाब उज़ैर खान ज़ई साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला है हमारे लिए और हमारे मेहमान बने हैं। और अली भाई, और कौन कौन मेहमान, उलमाए कराम, नातवा कौन मौजूद है? जी नाज़रीन, एक सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीनियर सना खान, उस्ताद सना खान, बेहतरीन खुश आवाज़ सना खान, और जिन्होंने हैदराबाद न्यूज़ पे आपने पिछले साल देखा होगा रमज़ान ट्रांसमिशन की ओएसटी कलाम जो पढ़ा है, मेरी मुराद जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्होंने पढ़ा है करम है रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बुजुर्गों की दुआ है, आप अल्लाह वालों की दुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ मौजूद हैं अलामा साहब जो कि हैदराबाद न्यूज़ की टीम का हमेशा से हिस्सा रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे जब तक दमे दमे, इंशाल्लाह दीन के काम के लिए हमारे साथ मौजूद होते। मेरी मुराद जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम कादिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है। तो जनाब जी बिल्कुल, तिलावत कराम रब्बानी हम समाप्त कर चुके हैं। कहते हैं खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा न करे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि साथ साथ नात शरीफ पहले आपने हमें सुनानी है, उसके बाद जब हम ब्रेक से वापसी आना है तो तब हमने आपसे जो हमने ओएसटी जो वो कलाम इंशाल्लाह सुना है। तो जी बिस्मिल्लाह करें, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नजाना पढ़कर हमारे कुलूब और रिझान को मुनव्वर फरमाए मलक मोहम्मद यूसुफ। अली भाई माशाल्लाह, आपने नात के लिए कहा तो क्यों ना हमद बारी ताला से हम आगाज करें एक अशआर हम दो नात, इंशाल्लाह उसके बाद फिर हुजूर के बाद भी जो है हम करेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तेरी शान अम्मा नवालू, तेरी शान अम्मा नवालू, पढ़िए अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर ए मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, के तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, के हो तेरी रजा मेरी आरज़ू, तेरी रजा मेरी आरज़ू। पढ़िए अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला, मेरे मौला अल्लाह नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, के बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, के हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है, मौला अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल। अब इसी में ही अली भाई नात का एक हुजूर की शान बयान की गई है, तो वो नात के अक्स में इसको मैं शामिल कर रहा हूँ। पढ़िए अल्लाहु जल्ला जलालुहु, के जो हिसाब रोजे हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे
नात जनाब हो न सवाल हो न जवाब हो न सवाल हो न जवाब हो के मैं रहूं हुजूर के रूप मैं रहूं हुजूर के रूप पढ़िए अल्लाह जला जलालुहु अल्लाह जला जलालुहु के कभी शान मौला शान लुत्फ़ाता में तू कभी बुलबुलों की नवा में तू और कभी मस्जिदों की अज़ा में तू कभी टूट दिल की दुआ में तू कभी टूट दिल की दुआ में तू के है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू है यहाँ भी तू है वहाँ भी तू अल्लाह जल्ला जलालुहु व मनवालुहु आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला और नाज रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाई। उज़ैर भाई की जानिब बढ़ेंगे, उज़ैर भाई आपकी तरफ आऊँगा। मेरा एक मुश्तरका सवाल है सबसे है वो कि आपकी रूटीन की अगर बात की जाए रमज़ान में खास तौर पर तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है रमज़ान ट्रांसमिशन संभालना, न्यूज़ देखना, चीज़ें देखना, अपने लिए फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं रमज़ान? जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अनसब आपका, मोहम्मद अली आपका कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया हर साल देते हैं। और मैं सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इस बात पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा कि वो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन्स को गुज़िश्ता 3 सालों से भरपूर पज़ीराई से नवाज रहे हैं और ये 4th साल है अल्हम्दुलिल्लाह और हर साल हम इस ट्रांसमिशन को बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, क्रोना पेंट्स है, ग्लैमर पेंट्स है, ब्रिज पावर है, हाई स्पीड कंपनी है, दीगर और जो कंपनीज हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं गो के पूरा साल हमारे इदारे को लेकर चलती हैं। इसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल फंडिंग हमें दी जाती हैं, जो स्पेशल स्पॉन्सरशिप दिए जाते हैं, उसी की बदौलत नाज़रीन जो है वो ये इतने खूबसूरत सेट्स और इतना बड़ा माहौल और इतना एक बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन देख पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर साथ हैं और हमारी एक आवाज़ पर लबैक कहते हुए हमें सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे जो नाज़रीन हैं, क्योंकि कोई भी इदारा या कोई भी शख्स या कोई भी मतलब चैनल हो वो बगैर व्यूअरशिप के जो है वो नहीं चल सकता, तो मैं उन सब नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा व्यूअर्स का कि जो हमें इतनी भरपूर पज़ीराई देते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं और एक अच्छी व्यूअरशिप से हमें नवाजते हैं, तो हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम व्यूअर्स का मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हैदराबाद में उसे इतनी प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल पर। तो सवाल आपका ये था कि रूटीन कैसे बनाते हैं, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है और क्योंकि इतनी मसरूफ़ और टफ़ लाइफ हो गई है। एक ज़माना था कि हम कराची वालों को दोष दिया करते थे कि भाई उनके पास टाइम नहीं होता है, वो बहुत स्पीड में रहते हैं। वही सारा सिलसिला अब हैदराबाद में आ चुका है। अब हैदराबाद के लोग भी इसी तरह मसरूफ़ रहने लगे हैं, हमारे पास भी वक्त नहीं होता कि हम रात में कामों से फारिग होने के बाद जब घर जाएँ तो फिर कहीं बाहर आउटिंग पर जा सकें, दोस्तों के साथ बैठ सकें। तो हमारी भी रूटीन अब वो कराची वालों जैसी हो गई कि बस हमें घर भागने की लगती है और सुबह उठ के फिर हम अपने काम धंधे और रोज़गार के लिए जो है वो निकल पड़ते हैं। तो रूटीन बड़ी टफ़ होती है, बड़ा मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज करना, आपको पता है कि। और तकरीबन 3 सालों से फैमिली शदीद नाराज़ हो रही है क्योंकि जो है वो रमज़ान के कोई एक बहुत कम ही रोज़े होते हैं जो मैं घर पर खोल पाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन में होते हैं, हमें यहाँ संभालना होता है। तो ऐसा होता है कभी कभी, मैं आप देखते हैं कि मैं कभी कभी 10 मिनट पहले भाग जाता हूँ, ट्रांसमिशन जैसी वाइंड अप होती है मैं घर भाग जाता हूँ और अफ्तारी कर लेता हूँ घर जाके, लेकिन वो फिर मुश्किल होता है मेरे लिए भी। तो इस बार हम बहुत मेरे घर के करीब सेट लगा रहे हैं, तो इस बार जो है वो मेरे लिए ज़रा आसानी होगी। एक दो बार मैं बंक कर चुका हूँ, मज़ीद भी कर लूँगा आगे। तो मुश्किल होता है फैमिली को जो है वो टाइम देना,
और ज़िंदगी के दीगर मामलात को संभालना, लेकिन बहरहाल काम तो काम है, तो हमें अपना काम भी संभालना है और अपने रोज़गार को भी देखना है और हमारे जो काम है, क्योंकि हैदराबाद न्यूज़ बेसिकली मेरा सिर्फ रोज़गार नहीं है, ये मेरा शौक है, ये मेरा सब कुछ है, तो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। सही। तो जाहिर बात है जब भाभी भी प्रोग्राम देख रही होंगी, ये आपने क्या कह दिया, मेरा पहला और आखिरी प्यार है भाभी? नहीं, ये काम वाला प्यार। अच्छा, काम वाला। भाभी भाभी वाला प्यार अलग होता है, काम वाला प्यार अलग होता है। जैसे भाभी वाला प्यार है, ऐसी अम्मी का भी तो प्यार है। भाई मैं यहाँ आपकी बात करते हुए अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, माशाल्लाह इनके वालिद और वालिदा बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी दुआओं से नवाजते जब भी हमारा जाना होता है। अब तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब्दुल रहमान खान जई साहब और उज़ैर भाई के तबस्सुम से हर महीने कोई ना कोई कुरान खानी महफिल का इवेंट जो होता है उसमें इनके वालिद साहब की सदारत में हम प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह करीम के वालिदैन को और जिस जिसके वालिदैन हयात हैं अल्लाह करीम सबको उम्र खिज़र अता फरमाए। जी उज़ैर भाई, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। और तो जाहिर बात है मुश्किल होता है, तो अलग अलग किस्म के प्यार होते हैं, माँ का प्यार अलग होता है, बहन भाई का प्यार अलग होता है, वालदेन का और बीवी का प्यार, बच्चों का प्यार और कई तरह के प्यार होते हैं, दोस्तों वाला प्यार। तो ये वाला जो प्यार है मेरा पहला और आखिरी प्यार है मेरा हैदराबाद न्यूज़, और ये मैंने, आप सब जानते हैं इसके पीछे के बड़े मकासद हैं, और हमने एक बहुत ही मोहब्बत के साथ बड़े खलूस के साथ इसको तैयार किया था। और हैदराबाद शहर कि जो मोहब्बत है हमारे साथ, जो मैं अपने शहर से मोहब्बत करता हूँ, उसी मोहब्बत में सरशार होकर मैं जो है उस चैनल को आगे लेके चला, और मेरे साथ जुहैब ने जो है हम दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज़ एक बड़ा इदारा बन चुका है, एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसके साए में ना सिर्फ कई लोग जो है वो आराम फरमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ साया दे रहा है बल्कि फल भी दे रहा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, उस मौला का बड़ा करम है कि एक बार फिर जो है वो इस साल ये एक बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन मुझे देखना नसीब हुई। मैं अलामा साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो भी जो है वो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, बहुत इनका जो है वो हमारा साथ रहता है, और यूसुफ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक पूरी टीम वर्क के जरिए जो है वही रमज़ान ट्रांसमिशन। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, मैंने मेरी बात हमेशा कहता रहता हूँ कि टीम वर्क के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, अगर टीम है तो काम हो पाएगा, सिंगल इंसान किसी भी काम को करने के लायक नहीं रहता। उधर भाई एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, एज अ सहाफ़ी कभी रमज़ान में काम किया, रोज़ा रख के सड़कों पर निकले माइक पकड़ के, और मतलब शदीद धूप हो रही है, 12 बजे का टाइम है, सूरज सर पर है, क्या फीलिंग होती है, दिल चाहता है इसमें काम करने का? देखें ये बड़ा टफ हो जाता है, और मैं आपको इस हवाले से एक दो चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, क्योंकि गुज़िश्ता कई अरसे से, मतलब तकरीबन जब समझ लें कि 2-3 साल से तो मेरा पास ऐसा कोई सामने नहीं आई चीज़, क्योंकि जाहरी बात है अब आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कैमरामैन मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी टीम फील्ड में जा रही होती है, तो रमज़ानों में एज सच हमें जो है वो फील्ड में जाके काम नहीं करना पड़ता। लेकिन एक ज़माना था जब मैं खुद एक रिपोर्टर हुआ करता था, मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने काम किया, तो बहुत सारे ऐसे रोज़े थे जो सड़कों पर खुले। एक दफ़ा की बात है, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो हैदराबाद के दौरे पर आए, और उस दिन गर्मी भी बहुत थी, गो के थोड़ा सा 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त इतनी शदीद गर्मी नहीं होती थी रमज़ान में, लेकिन बहरहाल जब एक इंसान प्यास और भूख की शिद्दत में सुबह 11-12 बजे का निकला हुआ हो और शाम हो चली हो, और जो है वो मुस्तकिल ख्वारी से जो है वो उसको निबर्द आज़मा होना पड़े, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वज़ीर आज़म गिलानी साहब जब हैदराबाद पहुँचे तो हमें जो है वो इस सरकारी इदारे की जानिब से जो टाइम दिया गया कि जी वो एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें 12 बजे का टाइम दिया गया। अच्छा 12 बजे वज़ीर आज़म जैसी VIP मूवमेंट के लिए हमें 12 बजे का हमारा टाइम था, उनकी लैंडिंग का टाइम था, तो हमें वहाँ पर सुबह 10 बजे जाके सेटअप रेडी करके अपनी तैयारी में खड़ा होना था। तो उसी तैयारी से हम सुबह 10 बजे वहाँ पर पहुँच गए, और हमने अपने कैमरे वैमरे सेट करके हम तैयार हो गए कि गिलानी साहब आएंगे तो हम उनकी उनसे मीडिया टॉक करेंगे। गिलानी साहब ने आते आते दोपहर के 3 बजा दिए, हम वहाँ पर बैठे रहे इंतजार करते रहे, तो जारी बात है हालांकि एयरपोर्ट पर थे हम, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा AC वगैरह चल रहा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी वो बेचैनी और प्रॉब्लम होती है, एक घर का माहौल, एक रेस्ट और वो अलग चीज़ होती है, यहाँ बैठ गए वहाँ खड़े हैं उधर टहल रहे हैं, इंतज़ार जो है ना वो इंसान को और ज़्यादा बेजार कर देता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इंतज़ार। तो उसके बाद जो है वो 3 बजे आते के साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो एयरपोर्ट पे उतरे हैदराबाद के, और वहाँ से सीधा विजिट पे चले गए, जो कि उन्होंने बाद में जाना था, वो विजिट पे चले गए, और उसके बाद वो रोज़े से कोई 15 मिनट पहले जो है वो पहुँचे, और उन्होंने हमें सिर्फ 3 मिनट दिए हैदराबाद में, 3 मिनट उन्होंने या 4 मिनट मुश्किल से बमुश्किल तमाम उन्होंने हमसे गुफ्तगू की मीडिया टॉक, पूरा दिन हम वहाँ ख्वार होते रहे। और उसके बाद हम एयरपोर्ट से जब आपको निकले, तो आपको पता है एयरपोर्ट हैदराबाद का यहाँ से थोड़ा दूर है, शहर से बाहर है, तो जब हम ये जो आपका खुदाफिज़ बोर्ड है 12 नंबर का चौक है,
तो जब वहाँ पे हम पहुँचे तो अजानें हो चुकी थी, तो हमने ठेलों से केले और खजूरें उठाई, सामान पैसे दिए उनसे, हमने वो उस तरह हमने रोज़ा खोला। फिर उसके बाद हमने करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ी, कुछ और भी साथी साफी दोस्त थे मेरे साथ, मेरे वालिद भी उस वक्त मेरे साथ थे, तो हमने इस तरह जो है वो हारा हुड़ी कहते ना, रोज़ा हमने खोला, फिर हमने नमाज पढ़ी, फिर घर जाके तरीके से हमने खाना वगैरह खाया। तो इस तरह के और भी एक्सपीरियंसेस हैं, खैर तवील हो जाएगी गुफ्तगू। तो इस तरह एक सहाफ़ी जो है वो आवाम के लिए जो है बड़ी मेहनत करता है और ख़बर को पहुँचाने के लिए, एक जर्नलिस्ट जो है उसका बड़ा किरदार होता है माशरे में। जब भी सहाफत को जो है वो किसी भी रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, बिल्कुल, तो वो बड़ी मेहनत करता है, वो के सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, रमज़ान हो या कोई भी ओकेजन हो, दिन हो, एक पुलिस और एक जर्नलिस्ट, ये दो नौकरियां इतनी खतरनाक हैं और इतनी मुश्किल हैं और सख्त हैं कि हर एक के बस की बात नहीं है। तो बड़ी मेहनत करनी होती है और बड़ा टफ टाइम गुजारना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अलामा साहब जी, अली भाई, अलामा साहब भी मौजूद हैं आज। कौन सा मौजू हम लेकर आए? मौजू कुछ तरावी के हवाले से, रोजे के हवाले से और गुफ्तगू करते हैं। अलामा साहब, उश्र के मसारिफ एक बयान फरमाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल के जवाब से पहले तो मैं सबसे पहले उजैर खान जई साहब को और ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी इन लोगों ने इतना बड़ा जो है वो पाकिस्तान का, इसमें कोई मैं मुबालगा नहीं करूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं तो वेब ट्रांसमिशन काफ़ी चैनल्स में मौजूद होती है, कई लोग अपनी जगह चैनल्स पर बैठ के कर रहे हैं, कोई घरों में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर बना के कर रहे हैं, तो बिला मुबालगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेब ट्रांसमिशन कर रहे हैं लोग हर साल की तरह, इस साल भी की और हमेशा हर साल ज़्यादा इजाफे के साथ करते हैं। तो हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें इन लोगों के साथ हैं और ये इन लोगों की शफकतें हैं कि हमें वक्त देते हैं। बहुत शुक्र। तो अब सवाल की जानी बताऊँ कि जैसे आपने पूछा उशर के मसारिफ, तो बेसिकली उशर कहते हैं कि ज़मीन से जो पैदावार होती है, सब्ज़ी वगैरह खेती वगैरह ही होती है, जो बारिश के पानी से होती है, ठीक है, यानी जिसमें बराह रास्त हम ज़मीनी तौर पर कोई पानी नहीं देते, और आसमानी पानी वगैरह से जो पैदावार होती है उस पर भी ज़कात होती है, और उशर जो ये अशर से निकला है जिसका मतलब है दस, तो उसका दसवां जो हिस्सा है वो ज़कात में दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ काबिल तवज्जो है कि बाद अवकात ऐसे इलाके भी होते हैं कि जहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं खेतों में, तो वहाँ पानी पहुँचाने का तरीका ये होता है कि वहाँ पे वो मशीन लगाई जाती है, फिर ट्यूबवेल से खींच के पानी लाया जाता है। तो जो डायरेक्ट बराह रास्त आसमान से जहाँ पानी नहीं आता और आपको खुद जो है मेहनत करनी पड़ती है, उस ज़मीन पर जो ज़कात है वो 20% बनती है, और जहाँ बराह रास्त पानी आसमान से आ रहा है और पहुँच रहा है तो उसका 10% हिस्सा ज़कात में दिया जाएगा। माशाल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ के वक्ते का, मिलते हैं वक्ते के बाद, देखते रहें करम है रमज़ान। ब्रिज पावर बैटरी, RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ मलिक साहब, जिन्होंने हैदराबाद न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन का करम रमज़ान का OST रिकॉर्ड करवाया, OST सुनाया, और ये कलाम जो पढ़ते हैं आप हमारी ट्रांसमिशन में सुनते भी रहते हैं, तो आज चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वो OST जो है वो हमारे नाज़रीन को बराह रास्त सुना दीजिए आज। किया उजैर भाई की काफ़ी शो का नतीजा है और मुझे भी गाइडलाइन मिली और उसका अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। लास्ट ईयर की बात है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस साल भी यही रन है तो पेश कर रहा हूँ।
अच्छा मिलकर पेश करेंगे क्योंकि हम हैदराबाद में उसके सभी ताल्लुक रखने वाले हैं, तो मिलकर पढ़ेंगे। रमजान रमजान करम है, रमजान 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 खालिक का पैगाम है, अताए कोनो मकान, अताए कोनो मकान, नबी का ये फरमान है, आले नबी का ऐलान, आले नबी का ऐलान, आले नबी का ऐलान, आले नबी का ऐलान, रमजान रमजान करम है, रमजान रमजान। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि रमजान हमारे लिए करम है। रमजान रमजान करम है, रमजान 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 करम है, रमजान 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 करम है, रमजान। शेर जो मुंतखब किया है उज़ैर भाई ने, बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस रमजान में इनाम है, रहमतें हैं, बरकतें हैं और बख्शिश का जो है इसमें अशरा भी मौजूद है, तो उसी नोयत को इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है कि इनाम है खुदा का ये, बख्शिश का आला निजाम है, बख्शिश का आला निजाम है, बख्शिश का आला निजाम है, है रहमत और बरकतें, कबूल हक़ो नुज़ूल है, कबूल हक़ो नुज़ूल है, कबूल हक़ो नुज़ूल है, कबूल हक़ो नुज़ूल है, रमजान रमजान करम है, रमजान 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 करम है, रमजान 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 करम है, रमजान 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 करम है, रमजान। भाई क्या खूब अंदाज, क्या बात है, क्या खूब। यूसुफ की आवाज में मतलब माशाल्लाह कलाम भी बहुत खूबसूरत है, और मैं बता दूं कि ये कलाम मैंने नहीं लिखा था, ये कलाम जो है वो हरीफ शेख ने लिखा था, क्योंकि हमारे साथ होते थे, आजकल जो है वो मशहूर है। बिल्कुल डायरेक्शन मेरी थी, और ये जो इसका जो जो इसकी लय बनाई गई, जो इसकी धुन बनाई गई, वो मैंने डायरेक्ट की थी, लेकिन ये अल्फाज जो हैं, क्योंकि किसी का जो क्रेडिट है वो उसे देना चाहिए, और ये सरासर नाइंसाफी होती है किसी के साथ कि किसी की हुई चीज़ हम अपने नाम पे क्रेडिट लें। हाँ अच्छा, जैसे एक बात आपके जरूर हमें ही इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जैसे अभी बात बताया कि जो हरीफ शेख साहब ने माशाल्लाह लिखा है, बात होते ना कि अपने नाम, हाँ जी हमने लिखा, बस हमारे नहीं नहीं ये मेरे को उज़ैर भाई माशाल्लाह 4 साल दरमियान मुझे खुद को हो गए, और माशाल्लाह यहाँ से इस चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो पिछले चैनल से मुझे नहीं मिला, वो जो जितना टाइम वहाँ लगा अलहमदिल्ला वहाँ से दुगना जो है सीख मैं यहाँ अलहमदिल्ला। मैं जो है वो अरीब को इस बात में मुबारकबाद पेश करूँगा, माशाल्लाह मेरा शागिर्द है, और पिछले साल नाज़रीन उसको आपके साथ जो है वो देख रहे थे ट्रांसमिशन में, तो माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चा है, तो उसको मैंने कहा था कि कुछ मुझे लिख के दो, मेरा जहन काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ दो, तो उसने इतने खूबसूरत अल्फाज जो है वो कागज की नज़र किए, तो मेरा मुझसे रहा नहीं गया, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा नोक पलक ठीक करके, फिर हमने जो है वो यूसुफ ने बड़ी मेहनत करके पिछले साल जो है उसको तैयार किया था, और ये इतना खूबसूरत कलाम है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इस साल एक नया कलाम पेश किया जाए, तो लिहाजा इसी इस साल भी मैंने इसी कलाम को कंटिन्यू करने का सोचा। उधर पे मैं याद कर रहा था कि जैसे मैंने एक चीज़ मैंने देखी 4 सालों के अंदर, कोई भी हैदराबाद न्यूज़ बयान करता है जब वो यहाँ से रुख्सत होकर कोई किसी भी अपनी वजूहत की बिना पर जाता है, तो आज तक मैंने आपको नहीं देखा कि आप उसकी कभी उसकी आपने बुराई करी, उसकी क्या रीज़न, क्योंकि अक्सर चैनलों पर मैंने देखा कोई छोड़ के जाता है ना उसकी 70 बुराइयाँ हो जाती हैं, मगर आप में ऐसी क्यों आदत नहीं, ज़रा मुझे बताएं। आप फिर भी उसके लिए कहते हैं कि नहीं यार इसके लिए ऐसा हो जाए, जैसे कभी इसके लिए यह काम कर रहा है कोई चीज़ आपके पास व्हाट्सअप पर, आप कहते हैं नहीं भाई माशाल्लाह उसको दुआएँ देते हैं, उसकी हौसला अफजाई, इस बारे में मेरे को बताएं। जी मोहम्मद अली, बात सारी ये होती है कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब इस तरह देना पसंद करूंगा कि यहाँ पर जो अपना मेरे इदारे में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर फ्रेश हैं, बिगिनर्स हैं, तो हमारे हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, तो ये वजह है कि उनको जो है वो मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ
क्योंकि जब वो हमारे पास आए, जो भी ज़्यादातर लड़के, तकरीबन लड़के, वो फ्रेश आए थे, उनकी पहली जॉब और पहला इदारा था, उन्होंने इससे पहले कहीं कोई नौकरी या कोई काम नहीं किया था, तो हमने उनको अपने हिसाब से सिखाया, ट्रेंड किया, सींचा, जैसे हम एक पौधे के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें जो है वो एक पौधा बनाया और उन पर मेहनत करके उन्हें हमने इस चीज़ के लिए तैयार किया है। तो जब वो आगे जाते हैं और अगर बेहतर काम करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और क्योंकि वो एक तरीके से सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं, वो मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं, शागिर्द बन जाते हैं। तो अगर मेरा शागिर्द मुझसे भी आगे निकलेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मतलब मैं उन उस्तादों में से हूँ कि जितना आगे मेरा शागिर्द जाएगा उतना ज़्यादा मेरा खून बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए बेहतर गुफ्तगू करता हूँ कि अगर वो मेरे पास से छोड़ के चले गए, गो के वो अच्छे माहौल में गए या बुरे माहौल में गए, लेकिन ये कि उन्हें अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया से लड़ने के लिए जंग का सिपाही बनाया ही मैंने। तो अगर वो वहाँ जाके गलत रहेंगे और अगर मैं उनकी हौसला शक्नी करूँगा तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैदान में हार जाएंगे, तो जो बात आएगी वो कमांडर पर ही आएगी। कमांडर ने अपने सिपाहियों की तरबियत ठीक नहीं की थी, लिहाजा उन्होंने अपने हौसले हार दिए। तो ये वजह है कि मैं उन्हें अप्रिशिएट करता रहता हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा उधर भी एक सवाल और मैं आपसे करूँगा, एज अ जर्नलिस्ट आपकी राय जानना चाहूँगा कि रमज़ान के बबरकत महीने के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है, वो थी मुनाफाखोरी हमारे यहाँ पे, जहाँ दूसरी जानिब जो है वो अशिया खुर्दनोश में कमी की जाती है, पाकिस्तान में मामला चेंज है या बढ़ा दिए जाते हैं रेट। तो इस हवाले से बताइएगा, पहले ही हम जो है वो कोविड से लड़ रहे हैं, तो एज अ जर्नलिस्ट आपकी क्या राय है, आप भी लोगों के दरमियान होते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो कितने लोग परेशान हैं इस महंगाई से, ख़ासतौर पर इस रमज़ान के अंदर? ये बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त होता है एक आम और गरीब आदमी पर, कि जब जो है वो पहले ही आम ज़िंदगी में वो अपने ज़रिया माश के अंदर इतना मुश्किल है, और जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, उसकी बुनियाद पर एक गरीब आदमी जो बिलो द बेल्ट है, वो उसका आम दिनों में अपनी ज़िंदगी में गुजारा करना मुश्किल है। तो जब रमज़ानुल मुबारक आते हैं, गो के रहमतें, बरकतें, नेमतें और ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन वहीं पर एक गरीब आदमी के लिए ये मुनाफा खोर मुश्किलात का बाइस बन जाते हैं। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक करीब आते हैं, अशिया खुर्दनोश, फ्रूट्स और दीगर अशिया की कीमतों में मन माने इजाफे कर दिए जाते हैं, जो कि एक गरीब आदमी के लिए इंतहाई नामुमकिन होता है। एक गरीब आदमी जो कि 20 से 25,000 रुपये महीना कमाता है, आजकल 25,000 रुपये कमाने वाला आदमी गरीब कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि इस वक्त एक अच्छी फैमिली रन करने के लिए आपको 70-80,000 रुपये महीना चाहिए होता है। तो अगर एक शख्स 20 से 25,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो आम दिन में, आम रूटीन में इतने ज़्यादा फ्रूट्स या ये दीगर चीज़ें जो हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा, वो नहीं इस्तेमाल कर पाता है, उसमें वो कमी करता है, सेलेक्ट दिन बांधता है कि हफ्ते में एक दिन ले जाऊंगा, बच्चों को एक दिन फ्रूट खिला दूंगा, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना होता है। लेकिन वो रमज़ानुल मुबारक में जो कि उसे रोज़ अफ्तार की दस्तरखान पर चाहिए होती हैं, सोचें कि जब वो एक शख्स आम दिनों में हफ्ते में एक दिन अफोर्ड कर रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना अफोर्ड करना उसके लिए वैसे ही नामुमकिन है। ठीक है, ऐसे लोगों को जो है वो चौक पे जो है वो उल्टा लटका देना चाहिए और इनको फांसी देनी चाहिए सरेआम। जो कि रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत और मुबारक और मुकद्दस महीने में सिर्फ चंद पैसों की लालच में ये मुनाफाखोरी करते हैं और चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, ऐसे लोगों को के साथ बहुत बुरा अंजाम करना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से इंसान को महरूम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक सवाल अल्लामा साहब से आपसे करूँगा मैं सर, इसी महंगाई को लेते हुए बात चली है, तो इस्लाम क्या कहता है इस मुनाफाखोरी के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बड़ा हसन वाक़िया है कि आपके एक सहाबी तिजारत कर रहे थे और आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम ने आकर जब देखा गंदम मौजूद थी वहाँ, तो कुछ गंदम जो है वो गीली हो चुकी थी, कुछ सूखी थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो गंदम गीली थी उसको नीचे रखा और जो सूखी थी उसे ऊपर रखा। तो आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस गंदम के अंदर डाल के चेक किया कि ये गंदम कैसी है, तो देखा कि गीलापन मौजूद है यहाँ पर। तो आपने पूछा कि ये गीली क्यों है, तो आपने फरमाया, साहबी ने कहा कि ये गीली थी तो उसको मैंने ऊपर रखा था कि लेने वाला इसको देख ना सके। तो फिर आपने फरमाया कि मन गश्शा फलेसा मिन्नी, उस मौके पर कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है उस मौके के। और फिर फरमाया कि ये जो मामलात हैं तिजारत के, ये हमारी सुन्नत हैं और जो हमारी सुन्नत से मुँह फेरे वो हम में से नहीं है। तो इस तरह के मामलात हमारे यहाँ देखे जाते हैं कि जब भी इवेंट, ये रमज़ान नहीं, रमज़ान के अलावा भी जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, हालात आज़रा, वो चीज़ महंगी कर दी जाती है। बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहावत की जाती है कि अगर अमवात ज़्यादा होने लग जाए तो ये कौम जो है ये कफन भी महंगा कर देगी। तो अब जाहिर है आप समझ सकते हैं कि हज का मौका आता है वो फिर वो महंगा कर दिया जाता है, उम्रे के लिए रमज़ान लोग ज़्यादा जाते हैं वो महंगा हो जाता है। तो जो लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को लोगों के लिए मुश्किल कर रहे हैं, यकीनन काबिल जो है वो गिरफ्त हैं,
शरअन भी कानूनन भी आइनन भी, और हमारे इंतज़ामिया को भी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है वो सख्ती से बात पुरस इनसे की जाए और इनके साथ कोई रियायत नहीं की जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि शरीयत में आप ये बताएं अलामा साहब कि शरीयत में ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है, शरीयत हिसाब से जो हमारा जो दीनी सिस्टम है अगर पाकिस्तान के कानून से हटके तो शरी सज़ा इन लोगों की क्या है? अच्छा, शरी तौर पर होता है ये कि ये लोग इनको ताज़ीर किया जाएगा, यानी मिलावट करने के जुर्म जो है ना उसके लिए 80 कोड़े तक, क्योंकि कुछ मसाइल वो होते हैं जो हद में आते हैं कुछ ताज़ीर में आते हैं, तो जो हद वो सज़ा होती है जो शरीयत ने मखसूस की है कि इस गुनाह की यही सज़ा है, उसमें कमी बेशी नहीं होती। ताज़ीर वो सज़ा होती है कि जो वक्त हालात के एतबार से कम और ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए बाकायदा कोई हदीस में या कुरान में ऐसी कोई सज़ा मखसूस नहीं है, लेकिन गुनाह तो है, तो ये काजी इस्लाम वक्त हालात के मुनासबत से इन पर ताज़ीर करेगा। अब चाहे वो उनको जेल में डाल दें, क्योंकि आज के ज़माने में कोड़े तो नहीं रख सकते, चाहे वो इनको वैसे 15-20 दिन से जेल में भेजें, चाहे महीनों के लिए भेजें, या उससे ज़्यादा कोई सज़ा या कोई जुर्माना जो भी वो मुनासिब समझे वो सज़ा इसको दी जाए। अच्छा अलामा साहब, एक सवाल और था कि क्या औरतें मस्जिद में जाकर बाजमात तरावी पढ़ सकती? जी, औरतें मस्जिद में जाके बात जमात तरावी पढ़ तो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक भी देखने पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो तकलीफ़ होती है जब मैं ख़ुद एक बार ऐसी मस्जिद में गया कि जहां औरतों के लिए बाकायदा एक इंतज़ाम मौजूद था पर्दे के साथ कि वो तरावी जो है बाजमात पढ़ सकते हैं, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जब मैं मस्जिद के दूसरे हिस्से में आया तो हमारे नौजवानों का एक टोला बाकायदा उन ख़वातीन के इंतज़ार में वहाँ खड़ा था। आप मुझे बताइए कि ऐसे हालात में जब लाहौर के मोटरवे पे मेरी इज्जतदार इफ्फत माँ बहन गाड़ी में जाए, उसकी इज्जत सलामत ना हो, तो आज के ज़माने में मैं ख़वातीन को कैसे इजाज़त दूँ कि वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करें? जब लोग बेपर्दगी के लिए खड़े हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी इंतज़ामिया को चाहिए कि फिर अगर नमाज का अहतमाम करना है जमात के साथ तो फिर उसके लिए सख्त इंतज़ाम हों, उनके आने जाने का रास्ता अलग हो, वहाँ ओबाश लड़के मौजूद ना हो। लेकिन देखा जाता है बदकिस्मती से कि ये सारे मामला मस्जिद के इंतजामिया खुद देख रही होती हैं, अब वो नमाज भी पढ़ रही होती हैं, बाकी मामला भी देखती हैं, तो फिर वो इस पर तवज्जो नहीं कर पाती। इसलिए शरण जायज होने के बावजूद हालात हाजरा के मुताबिक इसकी इजाज़त नहीं दी गई, और तभी इस चीज़ को रोक भी दी गया। पुराने ज़माने में चीज़ थी हुजूर के दौर में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ है कि औरतों को मस्जिद में आने से ना रोको, लेकिन बाद विसाल रसूलुल्लाह के हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि जब थोड़ी सी बेपर्दगी शुरू हुई आपने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह ने ये ज़माना मुलाहिदा फरमा लिया होता बज़ाहिर तो आप खुद मना फरमा देते कि औरतें मस्जिदों में ना आए। तो उस ज़माने में जिसको खैर कुरून कहा जाता है तब ऐसे मसाइल हो सकते हैं, तो आप सोचिए कि आज के ज़माने में क्या मसले होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा उज़ैर भाई, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। हमने जितने भी मेहमान हैं उनसे लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज दिलवाया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे जो टीम सेट के पीछे काम कर रही है? अच्छा हम लोग तो ऑन कैमरा नज़र आते हैं, लोगों को सब कुछ है, वो लोग जो बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं ऑफ कैमरा, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम ये है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्रांसमिशन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप खुद ही जानते हैं कि ये बगैर टीम वर्क के मुमकिन नहीं है, तो जाहिर बात है आप दोनों यहाँ पर हैं, मैं खुद आपके साथ वहाँ पर सेट के पीछे होता हूँ, आज यहाँ पर बैठा हूँ गेस्ट के तौर पे, तो लोग मुझे देख रहे हैं, तो किसी भी टीम वर्क के बगैर जो है वो नामुमकिन होती है कोई भी काम करना, कोई भी काम करना गर्ज है तो वो टीम वर्क के बगैर नामुमकिन है। तो मैं अपनी टीम को जो है वो शाबाश देना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे कैमरामैन शाकिर, सुहेल और अब्दुल रहमान, हमारे मैनेजर, लाइन प्रोड्यूसर, एडमिन ऑफिसर हैं हमारे मुजम्मिल आवान, हमारे डिज़ाइनर और एडिटर अमान भट्टी, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं हैदर सुमरो, अब्दुल रहमान खान जई हैं, इबाद हैं, ये हमारी पूरी टीम है। इसके अलावा दीगर जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं हमारी टीम में वो काम कर रहे हैं, तो उनका जो है वो बड़ा इसमें एक क्रेडिट है और उनको जो है वो हक बनता है उनका कि उन्हें सराहा जाए। तो मेरी तरफ से इन सबको शाबाश कि वो जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और शहर हैदराबाद के लोगों के लिए मैसेज यही है कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, रहमतों बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, तो लूट लें जितनी लूट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, रोज़े पूरे रखने की कोशिश करें। अमूमन देखा गया है कि लोग जो है वो इस गर्मी के मौसम में ज़्यादातर बहुत अहबाब हैं मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अलामा साहब भी इस चीज़ की तायद करेंगे कि उनसे अगर पूछते हैं कि यार आज का रोज़ा नहीं रखा, बोला क्यों? बोला यार गर्मी बहुत गर्म। अच्छा भाई, गर्मी से रोज़े का क्या ताल्लुक है? गर्मी तो होगी, मौसम की सख्ती, और अभी जो इस वक्त जो इस शदीद गर्मी में रोज़ा रखेगा, क्योंकि रोज़ा जितना सख्त होगा उतना ज़्यादा सवाब होगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा आप सख्ती बर्दाश्त करेंगे अल्लाह ताला उतना आपसे खुश होगा कि यार देखो मेरा इंसान, इतनी सख्त गर्मी है, लोड शेडिंग है, गर्मी के मामले हैं, पंखा बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी इबादत में मशगूल है, रोज़ा रख रहा है,
तो मैं शहरियों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि रोज़े जो है वो महीने में हमें साल में एक दिन मिलते हैं और ये बड़ी अहम इबादत है और फ़र्ज़ भी है आपके ऊपर, वैसे भी फ़र्ज़ है आप, मतलब आपने ज़बरदस्ती भी करना है, ये तो ज़ाहिर बात है क्योंकि इसकी पकड़ है, लेकिन इसको शौक़ से, मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से, दिल से रखें और शौक़ से रखें और इसे महसूस करें, इसे इंजॉय करें। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने जो है हमें एक मौका दिया है कि साल में एक ऐसी बड़ी इबादत का महीना दिया है जिसके अंदर हम बहुत सारी एक्स्ट्रा रहमतें जो है वो समेट सकते हैं, अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। तो ताक रातों में इबादत करें, अल्लाह के हुज़ूर झुकें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, अफ्तारी का बंदोबस्त करें और सबसे ज़रूरी मैसेज ये है कि अपने अतराफ में ज़रूर देखें कि जो मुस्तहक लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए और ख़ामोशी के साथ, बजाय इसके कि आप जो वो तकरीबात करें और राशन बांटें और फ़ोटो खिंचवाएं और जो है वो वीडियोज़ बनवाएं, चैनल हमें भी बुलाएं कि जी हैदराबाद न्यूज़ वालों खबर चला दो, तो इससे बचें ख़ामोशी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जो शरी तरीका है कि एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लोगों की मदद करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोऑपरेट करें। इस वक्त गुरबत का जो है वो आंसर बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में पाया जाता है, महंगाई की सूरत हाल की वजह से अच्छे खासे सफ़ेदपोश लोग परेशान हैं, तो देखें अगर आपके अतराफ में ऐसे लोग हैं जो किसी से कुछ कह नहीं सकते, अपनी सफ़ेदपोशी का भरम रखते हैं, उनके घरों पर कुछ ना करें तो मतलब सिंपल सा एक छोटा सा मैसेज ये है कि आपके घर में सबकी अफ्तारी बनती है, सबके घरों में हमारी अफ्तारी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो साहिब ऐसे हैं अच्छी अफ्तारी भी बनती है, जो ज़्यादा बेहतर है उनके यहाँ तो बाकायदा बच जाती है, फिकती है, तो बेहतर ये है कि भाई दो चार प्लेटें इस घर पर, दो चार प्लेटें इस घर पर, जो जितना ज़्यादा बना सकता है कोशिश करेंगे रोज़ाना दो लोगों की अफ्तारी एक्स्ट्रा बना लें तो बराबर वाले घर में भिजवाएं, आपको पता है कि यार ये हमसे कमजोर हैं तो उनके घर में अफ्तारी भिजवाएं, इसी तरह ईद आएगी तो उस पे लोगों का ख्याल रखें। तो यही मेरा पैगाम नाज़रीन, माशाल्लाह उज़ैर खान ज़ही साहब मौजूद थे, उज़ैर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका भी, मलक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह कल नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपके हमारा साथ रहेगा। वक्त होने वाला है इफ्तार, तो क्यों ना अब चलते हैं दुआ की तरफ। मैं कुछ गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद अरसलान क़ादरी साहब से कि आप दुआ आलम इस्लाम के लिए हम सब के लिए फरमा दें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين مولاي كريم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہم سے جو غلطی قصداً سہواً عمداً ہوئی اسے معاف فرما ہمارے روزے نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما یا رب العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما دین اسلام کا بول بالا فرما جتنے بھی احباب نے اس ٹرانسمیشن میں تعاون کیا مولا سب کی کوشش و کاوشوں کو قبول فرما اس چینل کو خوب خوب ترقی عطا فرما ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ ब्रिज पावर बैटरीज क्वालिटी फॉरएवर